नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अयोध्या धाम में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोलन में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह में ये बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे और इन्होंने आज घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में उनका सपना है कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज्य की क्या परिकल्पना। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आपको सबसे पहले कार्ड दिया था, उसके बाद आपने घोषणा भी की थी कि मैं वहां जाऊंगा। बीच में इस तरह का विचार आया कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, लेकिन आप वहां पर शामिल हुए। और हम थोड़ा लोग भी जानना चाह रहे हैं, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी कि बीच में आप मना कर रहे थे। मैंने कभी मना नहीं किया, मैंने ये कहा था कि जब हमारी मर्जी होगी हम जाएंगे और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो हम वहाँ पे गए और इसको राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मात्र एक हमारी आस्था है और हमारी ही नहीं पूरे देश की और प्रदेश के लोगों की आस्था प्रभु राम में है। वो एक विष्णु रूपी अवतार है और चाहे भगवान श्री राम है, श्री कृष्णा है, ये सब हमारी संस्कृति, हमारी देवनीति, हमारी सनातन धर्म के धरोहर है और मैं समझता हूँ कि उस पर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम राम मंदिर गए अयोध्या में और ये निश्चित तौर से हमारे लिए गर्व की बात भी है कि मुझे उस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने का शुभ अवसर मिला। और आने वाले समय में जैसा हमने कहा कि हम उनके सिद्धांत पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलेंगे और हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहेंगे। सर, राम राज्य की आपने बात कही कि हिमाचल प्रदेश में राम राज्य स्थापित होना चाहिए, सरकार से भी आग्रह किया कि इस तरह के कुछ विकास की योजना की जाए, तो क्या नहीं देखिए ऐसा तरह का होगा? ये ऐसी कोई घोषणा नहीं है, ये तो मात्र एक जो है मैं समझता हूँ कि एक सोच कि जिस तरीके से राम राज्य इसकी परिकल्पना पहले तो हमारे राष्ट्रीय पिता जो है महात्मा गांधी जी ने करी थी। उन्होंने हमेशा राम राज्य को हिमाचल देश के अंदर लागू करने की बात करी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश में राम राज्य लाने की बात करी और उसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और राम राज्य का अर्थात यही है कि हमें समाज के हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म, हर इलाके के लोगों के साथ समानता के साथ जो है वो के साथ सरकार का विकास के कार्य होने चाहिए और ख़ास करके जो पिछड़े हुए इलाके के लोग हैं, दूर दराज के इलाके के लोग हैं, उनको न्याय मिले, समय के ऊपर न्याय मिले, ये सरकार का प्राथमिकता होनी चाहिए और उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। उस दृष्टि से हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है और उसी सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे। सर, यदि लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आने वाले हैं और यदि वर्ष 2009 से लेकर और 2019 का एक इतिहास को खंगाला जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी केवल एक बार जीती है, एक सीट मंडी की, और स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी 2009 में चुनाव जीते थे। अगर यदि हम दो उपचुनाव को छोड़ दें तो केवल कांग्रेस इस दौरान एक ही सीट, एक ही बार जीती है, बाकी बार हार का सामना करना पड़ा है। कितनी बड़ी चुनौती इस बार लग रही है, और जब मंडी संसदीय क्षेत्र में दो बार उपचुनाव जीते हैं तो उसमें प्रतिभा सिंह जी दोनों बार जीती है, चाहे 2013 की बात करें या फिर 2021 की, तो यानी कुल मिलाकर देखें तो वीरभद्र सिंह परिवार ही 2009 के से लेकर अब तक चुनाव जीत पाया है मंडी संसदीय क्षेत्र में, बाकी जगह हार का सामना करना पड़ा। ये देखिए, चुनाव तो बड़े गंभीरता से सारे में लड़ने चाहिए। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 4 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं और पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा भी जाएगा। अभी कुछ दिन बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी, उसकी तिथि निर्धारित की जा रही है। उसमें मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से उपस्थित रहेंगे और सही उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास किया जाएगा, मजबूत उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा। बाकी प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम जीतेंगे और जीतेंगे भी, मगर निश्चित तौर से स्थितियां पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अनुकूल भी है, प्रतिकूल भी है, तो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मगर लड़ाई लड़ी जाएगी और जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे,
ये मैं कह सकता हूँ। यदि सर हम बात करें लोकसभा चुनाव की ही करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबा टाइम होगा कि किसी वक्त ऐसा था कि कांग्रेस चारों सीटें जीतती थी, लेकिन चार सीटें तो दूर की बात है, लेकिन 2009 के बाद जैसे बताया कि एक सीट जीती, तो चार सीटें काफी समय से नहीं जीती, तो इस बार क्या टारगेट रहेगा? टारगेट तो चारों का ही है, चारों सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भी और जीतने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा, और मुझे विश्वास है कि जीतेंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूर है कि मुश्किल परिस्थितियां से पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गुजर रही है, हमें फिर भी लड़ाई लड़नी है और हर संभव प्रयास करना है। मंडी संसदीय क्षेत्र, जैसा आपने कहा कि वो बड़े लंबे समय तक हमारे परिवार ने उसका रिप्रेजेंटेशन किया है, वीरभद्र सिंह जी ने किया है, प्रतिभा सिंह जी ने किया है, उस इलाके को नचर किया है, निश्चित तौर से वहाँ पर भी हम पूरी मजबूती से कार्य करेंगे, और चाहे वो मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लगातार क्षेत्र में वहाँ दौरा कर रहे हैं, और जैसा पार्टी का आदेश रहेगा उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर एक लास्ट सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, उसमें वीरभद्र सिंह जी भी है और प्रेम कुमार धूमल जी है, जिन्होंने के केंद्र में सरकार किसी और दल की होती थी और स्टेट चलाने का जिन्हें लंबा अनुभव रहा है। यदि हम 2007 से 2012 की बात करें तो उस वक्त धूमल साहब ने 5 साल तक यूपीए सरकार में चलाई और वीरभद्र सिंह जी ने 2014 से और 2017 के बीच में सरकार चलाई, तो कितना टफ होता, क्योंकि वर्तमान में आप भी सरकार में है, केंद्र में मोदी सरकार और स्टेट में कांग्रेस की सरकार। देखिए ऐसा है कि पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, मगर सरकारें जो है वो कंटिन्यूटी में चलती है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो देश की सरकार है, और ये दोनों साइड का दायित्व बनता है, केंद्र में जो नेतृत्व बैठा है उनका भी बनता है और जो प्रदेश का नेतृत्व है उनका भी बनता है कि एक समन्वय के साथ सरकार का जो है वो संचालन करे। जो सेंट्रल स्कीम्स चलती आई है, जो प्रदेश के अधिकार है, प्रदेश को जो बजट केंद्र सरकार से मिलता है वो समय समय पर मिले, प्रदेश के लोग उस चीज़ को केंद्र सरकार से उठाए, एक अच्छे रिश्ते के साथ काम करें, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, मगर क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ढांचा है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें केंद्र का भी योगदान है, प्रदेश का भी योगदान है, तो इन चीज़ों पे मैं तो यही समझता हूँ कि हमको एक अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है। उसी कड़ी में मैं पिछले कल केंद्रीय मंत्री से भी मिला, नितिन गडकरी जी से मिला, हमने अपने विभाग के समस्याओं को रखा, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कल 152 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं, हमारे डिपार्टमेंट को बहुत जल्द उसकी एलोकेशन आ जाएगी। तो ये रिश्ते बनाने पड़ते हैं, काम भी करने पड़ते हैं, जब राजनीति के अखाड़े में उतरेंगे तो वहाँ पर जो है वो लड़ाई भी लड़ेंगे, मगर अभी इस समय हमको मिलकर चलना चाहिए और लोगों के लिए जो काम हो सके उनको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने आज जिला स्तरीय समारोह में कहा कि हिमाचल प्रदेश में राम राज्य को स्थापित किया जाएगा और सरकार इस दिशा में काम भी करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।